हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते या बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूं डोमेस्टिक वेस्ट यानी घर से निकलने वाले कूड़े और कचरे के बारे में। और क्यों है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे आपका घर कैसा भी हो, एक बात तो तय है कि आपके घर में कूड़ा जरूर निकलता होगा। एक आम डस्टबिन में सिर्फ फल और सब्जी का छिलका ही नहीं बल्कि प्लास्टिक, मेटल और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जैसे दवाइयाँ, पैकेज फूड के प्लास्टिक्स और बहुत कुछ। क्या आपको पता है कि एक घर में ऑन एन एवरेज 800 ग्राम तक कचरा निकलता है? पर सोचिए ऐसे एक एक घर को मिलाकर इंडिया में कितना कचरा होता होगा। अगर हम अपने देश की राजधानी यानी दिल्ली की बात करें तो हर दिन 10,500 मेट्रिक टन कूड़ा प्रोड्यूस होता है। अगर हम इंडिया की टॉप 10 वेस्ट प्रोड्यूसिंग सिटीज की बात करें तो जितना दिल्ली और मुंबई में मिलाकर वेस्ट होता है उतना ही बाकी के 8 सिटीज प्रोड्यूस करते हैं। अब आइए जानते हैं कि वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है ऑर्गेनिक, जिसमें फल और सब्जियों के छिलके, फूल, पत्ते, अंडों के छिलके जो कि आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है रिसाइकलेबल वेस्ट, यानी कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और इत्यादि। और ये वो चीजें होती हैं जिसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। और सबसे आखिरी प्रकार होता है टॉक्सिक हैज़र्डस या इंफेक्टिव्स, जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, पेंट, डियो बॉटल्स, केमिकल्स, बैटरीज, सैनिटरी पैड्स एंड एक्सेट्रा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख में कैसे मैनेज किया जाता है इतना सारा वेस्ट। हमारे घरों से वेस्ट निकलने के बाद वेस्ट को सबसे पहले अलग अलग किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को रियूज करने के लिए एरोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोमेथेनेशन आदि के लिए भेजा जाता है जिससे बायोगैस बनता है। गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए खाद भी बनाए जाते हैं। रिसाइकलेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पेपर और मेटल को अलग अलग करके फैक्ट्रीज में रिसाइकलिंग करने के लिए भेजा जाता है। ऑर्गेनिक और रिसाइकलेबल वेस्ट तक तो ठीक है, पर क्या आप जानते हैं कि जो थर्ड टाइप का वेस्ट, टॉक्सिक हैज़र्डस वेस्ट का क्या होता है? अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आपने जरूर कूड़े के पहाड़ देखे होंगे। इसे लैंडफिल भी कहा जाता है। दिन ब दिन ऊंचे होते इन पहाड़ों में पहुंचता है सबसे खतरनाक तरीके का कचरा जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक और हैज़र्डस होते हैं। और ये सारा वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और ये लैंडफिल के आसपास के पानी और मिट्टी को दूषित करते हैं क्योंकि इनमें हैवी मेटल और मर्करी पाया जाता है। ये सिर्फ ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होता है बल्कि ये पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक होता है क्योंकि पशु पक्षियां भी इन कचरों में अपना खाना ढूंढते हैं और ना चाहते हुए भी प्लास्टिक, जिप्सम, एल्यूमिनियम जैसी चीजों को खा जाते हैं। यही लैंडफिल वाला कचरा मिट्टी में जल्दी से नहीं मिल पाता और इसे कई साल लग जाते हैं। और कुछ चीजें जैसे प्लास्टिक और मेटल तो कभी भी मिक्स नहीं होते और इनसे जो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है। तो फिर आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। लैंडफिल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर बड़े शहरों में जब एक साइट भर जाती है तो एक नया लैंडफिल साइट बना लिया जाता है। आप शायद सोचें कि वेस्ट मैनेज करना तो गवर्नमेंट का काम है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पर सच ये है कि आप अपने घरों में छोटे छोटे चेंजेस लाकर बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे सड़कों पर कभी कूड़ा ना जलाएं और ना ही जलाने दें। इससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। अपने घरों में गीले, रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल कूड़े का डब्बा अलग रखें और अगर हो सके तो घर पर ही ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद बनाएं और उसको गार्डनिंग में यूज करें। सामान की खरीदारी करते समय ध्यान रखें कि खरीदे हुए सामान से कितना कूड़ा प्रोड्यूस होगा और आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप बहुत सारे शैम्पू के पाउचेस खरीदने से अच्छा है कि एक शैम्पू का बॉटल खरीदें ताकि बहुत सारा कूड़ा जनरेट ना हो। दूध का पैकेट कोने से ना काटें जिससे कि एक छोटा टुकड़ा प्लास्टिक का जनरेट ना हो। जब आप शॉपिंग करने जाएं तो अपने साथ एक कैरी बैग लेकर चलें ताकि दुकानदार को प्लास्टिक बैग यूज करने का मौका ना मिले। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ कंट्रीज में जैसे जापान, कोरिया, वियतनाम और ऑस्ट्रिया में पेटी यानी कि पे एज यू थ्रो मॉडल भी यूज किया जाता है। जैसे आपके घर में बिजली और पानी का बिल आता है वैसे ही इस मॉडल से जितना आप कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं उतना आपको बिल देना होगा। On June 5, 2017, Government of India announced a national strategy to phase out all forms of single-use plastic by 2022.
to eliminate not only plastic bags and bottles, but also other items such as plastic cutlery, straws, styrofoam containers and coffee stirrers. हमारी गवर्नमेंट चाहे कितने ही स्वच्छता अभियान मिशन बना ले, ये सारे प्रयास तब तक असफल रहेंगे जब तक हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद नहीं निभाएंगे। और अंत में जाते जाते एक कोट के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ, जैसे कि गांधी जी ने कहा है कि सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके वेस्ट को ना सिर्फ अपनी लाइफ से कम कर सकते हैं बल्कि इंडिया को वेस्ट फ्री बना सकते हैं।